इरफाना परवीन, वाइफ ऑफ खालिद, वार्ड नंबर 41 से उन्होंने इलेक्ट हो गए और अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के हैसियत से उन्होंने आज इलेक्ट हो गए। पहले तो मैं मेरे रब का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं जो मेरे को इस मुकाम तक लेके आए, और मैं जो भी मेरे बड़े जो सीनियर लीडर्स हैं प्रियंका खड़गे साहब और खड़गे साहब और जो हमारे मैडम करिश्माती माँ और हमारे आलम प्रभु साहब और मेरे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनमें सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे को इस काबिल समझे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आवाम के लिए जो हो सके वो करूँगी। और इन सब के बाद में और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे मोहल्ले की मेरे एरिए के लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस मुकाम पर लेके आए, मदद की मेरी यहाँ तक आने के लिए और मेरे को इस काबिल समझे कि मैं ये कर सकूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ और मेरी टीम का, मेरी और मेरे साथ में जो है उन सबका भी और मेरे कॉर्पोरेटर्स मेरे जो मेरे डिप्टी मेयर मैं अपने पूरे सीनियर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें आज इस मुकाम तक पहुँचाया है, और मैं हमारे हाई कमान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आज हमें एक महानगर पालिका का अकाउंट्स चेयरमैन का हमें एक जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले तो मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खड़गे साहब का और हमारे राधा कृष्णा साहब एमपी गुलबर्गा के और हमारे शरण प्रकाश पाटिल साहब और हमारे साउथ एमएलए साहब और मैडम कनीज फातिमा साहिबा का, मजर आलम खान साहब, एडवोकेट वाहिद बाबा और अहमद मीर साहब और हमारे गोला साहब का और तमाम हमारे सीनियर लीडर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की। और मैं साथ ही साथ हमारे वार्ड के तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, खवातीन का, नौजवान बच्चों का और हमारे सीनियरों का जो हमें इस मकाम तक पहुँचाने में बहुत ही जद्दोजहद करके हमें इस मकाम तक पहुँचाया। और मैं जो हमें ये जिम्मेदारी दी गई है इंशाल्लाह हम इसे बखूबी अच्छे से निभाएंगे और कोशिश करेंगे पब्लिक के लिए क्या हो सकता, कॉरपोरेशन से और क्या क्या मदद मिल सकती है उसके लिए भी हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस करेंगे और पार्टी को हम कहीं भी नाराज़ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह चाहे तो और भी हम खिदमत करेंगे पब्लिक की।